चढ़ाई आ रही है तो थोड़ी सी पावर यार मुझे महसूस हो रही है, कमी है पावर की यार। तो ये अपना पंचर चेक हो रहा है यार, कील लगी हुई भाई साहब, क्या ही बड़ी कील थी। अब भी देख के यार बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है यार, क्या पहाड़ है यार। ये वही पंचर लीक हो गया। तो ये वादियाँ देखने को मिल रही हैं जो यार अलग ही खुशी मिल रही है, अलग ही मज़ा आ रहा है इन वादियों को देख के। और अभी यहाँ से राइड स्टार्ट हुई है, अपना कुछ 6 घंटे का रास्ता है, 198 किलोमीटर, अराउंड 200 किलोमीटर ही मान लीजिए। बाकी अभी यहाँ पर यार थोड़ा सा वो भाई तो फास्ट चल रहे हैं, मैं ज़्यादा फास्ट चलने वाला नहीं हूँ क्योंकि पहाड़ों का मैं मज़ा लेना चाहता हूँ, मुझे जल्दी नहीं है पहुँचने की। कोई नहीं, ये लोग अपने से 1 घंटे पहले भी पहुँच जाएंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 1 घंटे बाद भी पहुँच सकता हूँ। इवन पीछे मनु भाई को भी इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है अपने से, तो अपन थोड़ा सेफ चलेंगे और आराम से चलेंगे और वादियों के मज़े लेते जाएंगे भाई। तो काफ़ी महीनों बाद, मतलब अप्रैल के बाद ऐसी वादियों में दोबारा आया हूँ। वो हिमाचल के पहाड़ थे, ये उत्तराखंड के पहाड़ है और सीरियसली ऑसम फीलिंग है। और मैंने यार अभी पीछे मैंने अपनी क्लिप्स चेक की थी, अभी जहाँ रेस्टोरेंट पर रुका था जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, तो एक चीज़ से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि अभी बीच में, मतलब जब हम मेन हाईवे पे चढ़े थे मुजफ्फरनगर के बाद, उसके बाद से टोटल क्रॉस विंड थी, तो क्रॉस विंड से काफ़ी विंड ब्लास्ट आ रहा है हेलमेट के अंदर। तो ठीक है, आपको ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, देखिए इन्जॉय करिए। हम खुद देखने आए हैं और आपको साथ में दिखाने आए हैं अपने कि ये नज़ारे कितने ही खूबसूरत हैं यहाँ के। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप भी आइए, चाहे बस से आइए, ट्रेन से आइए, चाहे अपनी गाड़ी से आइए, और इच्छा है हमारी तरह बाइक की पागलपंती वाली तो बाइक से आइए, बट आइए ज़रूर, बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं ये। बाकी दूसरा ऐसा भी है कि जब बाबा आपको बुलाना चाहेंगे आप तभी आ पाएंगे। बाकी ये वादियाँ तो आप देखने आ ही सकते हो, ऋषिकेश की, आगे देवप्रयाग की, रुद्रप्रयाग की, बहुत ही अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे संगम हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। बस हाँ, थोड़ा सा बारिश में ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है उत्तराखंड एज़ कम्पेयर टू हिमाचल। तो अभी मौसम खुला है, ऐसी कोई इशू नहीं है अभी तो अभी राइड करते हैं कंटिन्यू और आप लीजिए हसीन वादियों का मज़ा। तो ये यहाँ पर इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है, ये उसी टाइम की, जो अभी हफ्ते भर पहले यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 3-4 दिन जो रेड अलर्ट था यहाँ पर, ये उसी टाइम की दिख रही है। थोड़ा सा यार मुझे ना जब चढ़ाई आ रही है तो थोड़ी सी पावर यार मुझे महसूस हो रही है, कमी है पावर की यार। तो फील तो क्या ही करूँ यार, लगेज भी है, पिलियन भी है, तो इतना तो यार चलेगा, 200 cc है बाइक, तो ऐसा तो नहीं है कि 1250 में लेके चल रहा हूँ तो खींच नहीं पा रही हो। पेट्रोल हाफ टैंक है अपने पास, बट फिर भी भरवा लेते हैं यार, ऊपर क्या ही वेट करना ऊपर के लिए। और बाकी अनुज को भी फिलअप कराना था, उन भैया को भी कराना था, तो सारे रुक के सारे फिलअप करा रहे हैं। हाँ, अब गर्मी लग रही है यार, मुझे लग रहा है यार लाइनर उतारना पड़ेगा एक, फिर चेंज कर लेते हैं यार, गर्मी लग रही है अब। हाँ, बड़ी गर्मी लग रही थी, फाइनली राहत मिली, इसको पहनते वापसी। तो यहाँ पेट्रोल का प्राइस है 104.08 पर लीटर। अरे क्या बात है सर जी, अरे यार वो मैंने उतार दिया ऊपर, गर्मी लग रही थी यार, पूरा पहाड़ नीचे और पीछे हर जगह ऐसा ही दिख रहा है मुझे यार, मतलब कितना ही लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, मतलब उन 3 दिन में बहुत ही लैंडस्लाइड है। और देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, और कसम से देख के ख़तरनाक भी लगता है काफ़ी।
क्या गंगा जी का व्यू है नीचे यार, ऑसम। ये एक फ्लाईओवर मिला है, इससे पहले रोड नीचे से जाती थी, अब ये फ्लाईओवर बना दिया है, अच्छी सी बनाई है, बढ़िया यार, अच्छा लगा। बाकी यार कसम से मज़ा आ रहा है, मैं वाह वाह एक बार बोल रहा हूँ मज़ा आ रहा है, बट सीरियसली मज़ा आ रहा है। अरे ये वादियाँ जो है ना यार, ये अलग ही वाइब्स हैं इसके अंदर यार, इसका कोई जवाब नहीं है। हार्ले, वाओ। ए भाई कहाँ देख रहे हो? तो मतलब यार पहाड़ जो है ना हर बार आपको बुलाता है, हर बार बुलाएगा और हर बार आपको चुकाएगा। आप मतलब देखोगे कहोगे यार ये इस बार कुछ नया देखने को मिला है। मैं दो बार पहले भी चोपटा एक बार गया हूँ और मालखी एक बार गया हूँ जो अगस्त बुनी है, तो इन्हीं रोड से गया हूँ, तब भी मुझे बिल्कुल देख के यही था वाओ क्या पहाड़ है। और अब भी देख के यार बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है यार क्या पहाड़ है यार। और मे बी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब भी ऐसे लगेगा कि वाओ यार क्या पहाड़ लग रहे हैं यार। हर बार पहाड़ जाना अपने आप को, मतलब कैसे बताऊँ। बाकी अभी ये जो धूल मिट्टी है ये थोड़ा सा सहन करनी पड़ रही है, क्योंकि बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रखी है तो मिट्टी फैली हुई है, उसकी वजह से बस गाड़ी चल रही है तो मिट्टी उड़ रही है, बट ठीक है यार ये भी जर्नी का पार्ट है, अब क्या ही करें, किस्मत में था कुछ दिन पहले हमें बारिश पड़ी और लैंडस्लाइड हुई, तो इसमें पहाड़ों का भी दोष नहीं, ऐसे तो ओवरटेक नहीं करेंगे जब तक अंकल साथ नहीं देंगे। कर्व है पूरा, कर्व है पूरा। हमारे स्वागत में न्यू रोड बनाई गई है, कब चल गया था यार हम लोग आने वाले हैं। मजाक से परे बट रोड बहुत प्यारी है, वो देख लीजिए गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। बहुत ही प्यारी रोड बन गई है और बहुत ही चौड़ी कर दी गई है। मैं 2017 में आया था, बहुत हालत खराब थी, 19 में आया था थोड़ी ठीक थी, अभी आया हूँ एज ए लैंडस्लाइड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत है प्रॉब्लम, बट काफ़ी रोड चौड़ी कर दी गई है और काफ़ी अच्छी अच्छी मक्खन रोड बना दी गई है। तो यार मज़ा ही आ रहा है, क्या लीनिंग चल रही है बाइक पे और स्पीड वही कभी 40 जा रही है तो कभी 60-65 भी जा रही है जब हल्का सा प्लेन रोड आता है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देवप्रयाग पौड़ी रुद्रप्रयाग साइन बोर्ड आ गया था। सो फाइनली बहुत देर राइड करने के बाद इन पहाड़ों पे मनु भाई और मेरा दिल करा कि आप लोगों को ये वादियाँ दिखाएं यार। वादियाँ देखो कितनी प्यारी है यार, ऑसम लग रही हैं। और ये देखिए उस रोड से हम ऊपर चढ़ के आए हैं, कितनी मतलब सीधी चढ़ाई है ये। बाइक थोड़ा सा पावर यार फील कर रही है कि पावर और होनी चाहिए बाइक के अंदर, क्योंकि ऐसी मतलब चौथे गियर में 40-42 से ऊपर जा नहीं रही है, बट कोई नहीं यार हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, अपना आराम से चल रहे हैं। और वो देखो उस पहाड़ के ऊपर एक बादल दिख रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये कुछ राइडर्स भाई जो अपनी राइड कर रहे हैं कंप्लीट, अच्छा लगता है देख के ऐसे भाइयों को। सोचा ये वादियाँ हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी दिखा दें। और रही सही यहाँ पर एक फ़ोटो शोटो भी ली जाए बढ़िया सी, तो ये फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पर। तो अभी तक आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट ये जैसे ब्लॉग जो है बाद में आएंगे अपडेट्स, बट पहले मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे कि ये जो वादी है इसकी फ़ोटो मैं अभी खींच के अभी इंस्टा पे अपलोड करने वाला हूँ।
मनु भाई का मन करा बाइक चलाने का, तो मनु भाई बाइक चला रहे, मैं प्लेन बन गया हूँ और पीछे बैठ के मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। बड़े ही औसम लग रहे हैं यार ये नज़ारे। बाकी एक लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि बाइक के पीछे टायर में कील घुसी हुई है और बहुत ही हल्की सी हवा कम हो चुकी है, तो वैसे मेरे पास टायर इन्सुलेटर है बट हमने अभी नहीं खोला कि उसके लिए पूरा लगेज उतारना पड़ेगा, फिर भरनी पड़ेगी हवा। तो अभी हम सोच रहे हैं 5-10 किलोमीटर चला के देखते हैं, कोई पंचर वाला हमें मिल जाता है तो हम लगवाएंगे पंचर। और ये बात यार सीरियसली ऑसम है यार, हर बार पहाड़ पे आओ हर बार यही मुंह से निकलता है सीरियसली ऑसम, बिकॉज ये पहाड़ होते ही बहुत खूबसूरत है। किसी को ये ड्रामा लगेगा ये लैंडस्लाइड देख के, और किसी को ऐसा लगेगा कि यार कहीं आ गए, और नीचे वो गंगा नदी कितनी प्यारी लग रही है। अभी चढ़ाई काफ़ी स्टीप है तो इस चक्कर से बाइक पावर भी ड्रॉप फील कर रही है, और कहीं ना कहीं पावर ड्रॉप इसलिए भी फील कर रही है क्योंकि पीछे टायर में हवा थोड़ी सी कम है। तो होप सो जल्दी हमें पेट्रोल पंप मिल जाए, कोई पंचर वाला मिल जाए, नहीं तो हमें दिक्कत क्रिएट हो सकती है। पूरी हवा निकल गई तो बार बार लगेज भर उतारेंगे, हवा भरेंगे, फिर लगेज लगाएंगे और फिर निकलेंगे, यही करना पड़ेगा बार बार। ये भी सही था। नहीं जीतो जीतो कहीं तो जीते, चाहे कैसी भी जीते जीते ना। अनुज चाची तड़का इधर देखना, हाय हाय चाची तड़का। ये अपना पंचर चेक हो रहा है यार, कील लगी हुई शायद भैया को मिल गई है। हाँ पंचर है, बढ़िया ही की घुसी है तो मोटी। हन्नी ने खुद ही घुसाई है की। ओ भाई साहब क्या ही बड़ी कील थी। ये ली कैसे इसने पर? ये दिक्कत है MRF के साथ। MRF सुन रहा, मत लेना कभी। तू बताएगा कील तो है वैसे, या कोई नोक भी नहीं है इसके अंदर की, ऐसा घुस गई हो। फ्रंट पे नोक भी नहीं है, मतलब पैनी भी नहीं है, इसलिए बता रहे हो MRF कभी मत लेना। सुन रहे हो, पंचर किट लेना। अगर MRF है तो पंचर किट जरूर लेना। यार वादियाँ कितनी ही खूबसूरत हैं यार, ये ग्रीनरी जो है बहुत ही ऑसम लग रही है। बस हाँ बीच बीच में लैंडस्लाइड हैं, बट यार कोई नहीं, चलता है इतना तो यार। पहाड़ों पे आए लैंडस्लाइड नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, लैंडस्लाइड तो पहाड़ों पे होती ही रहती है। टूरिस्ट बहुत सारा है, बाइकर्स बहुत सारे हैं, व्लॉगर्स बहुत सारे हैं, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है उस हिसाब से। और पिलियन पे बैठ के, पिलियन बन के ब्लॉगिंग करने का जो मज़ा आ रहा है वो अलग है। मुझे नहीं पता कि पिलियन पे भी इतना मज़ा आता है यार। बड़ा ही अलग ही यार लेवल का मज़ा है इसका। अभी मनु भाई आधा घंटा और चलाएंगे, उसके बाद मैं चलाऊंगा फिर बाइक। चौक टॉप ज़्यादा नहीं रहा, अराउंड कुछ 110 किलोमीटर है यहाँ से, तो अपने को चौपटा भी स्टे करना है। तो अभी जो हम लंच का जो ब्रेक लेंगे, अगर लिया तो, मतलब लंच किया नहीं किया वो बात अलग है, पर ब्रेक जो लेने वाले हैं वो हमने डिसाइड किया श्रीनगर का, तो हम श्रीनगर में स्टे करेंगे, मतलब स्टे नहीं करेंगे मतलब रुकेंगे, और जो भी ड्रिंक्स विंक्स लेनी होंगी, ठंडा वंडा चाय शाय वो ले लेंगे। और हमारे साथ जो तीसरा भाई था आशीष, जो दिल्ली से मतलब मुरथल से हमारे साथ जो चल रहा था, वो अलग ही अकेला निकल गया आगे। और आज एक बड़ी हंसी वाली बात हो गई, जो संडे राइड पे हमने जो बात की थी कि यार जो हमें लीड कर रहा था वो बंदा सोलो ही आगे निकल गया अकेला ही, और अकेला ही घूम करके वापस आ जाएगा, वो भैया हमारे साथ ही है। जो पता नहीं उनका नाम अमित है या प्रदीप है, आई डोंट नो, कन्फ्यूज हूँ दोनों में क्योंकि ये ज़्यादा बात हुई नहीं है। तो पता चला कि वैसी बात चल रही थी कि यार आज आशीष भी उन्हीं की तरह निकल गया, तो मुझे देखो क्या समझ नहीं आया, तो उनको बताया गया सबसे पिछली राइड पे एक बंदे थे जो लीड कर रहे थे वो छोड़ के चले गए, तो कह रहे वो मैं ही था। सही कॉमेडी वाली बात हो गई वो वाली। तो
यार मानने वाली बात है, उत्तराखंड में रोड्स की डेवलपमेंट, उत्तराखंड क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया में रोड्स में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत ही ज़्यादा घूमा हूँ। हिमाचल तो मतलब मेरे लिए सेकंड होम था, और मसूरी नैनीताल मैं थोड़ा कम घूमा हूँ, बट हिमाचल शिमला मनाली मेरा सेकंड होम था। मतलब जिस दिन छुट्टी मिले और वहाँ जाके मतलब बैठ जाके ऐसे यही होता था काम। तो जो रोड्स में अब फ़र्क है वो पहले ऐसी रोड नहीं हुआ करती, अभी जो है अलग ही यार ऑसम रोड्स हैं यार, बहुत ही प्यारी। इतनी चौड़ी रोड में करूँ 2017 में आया था, से चार साल पहले ऐसी रोड नहीं थी। ओहो बाबा, यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं, जय हो भोलेनाथ की। अरे आशीष मिल गया जी, आशीष मिल गया हमें। पर यार उसने पॉइंट बहुत अच्छा ढूंढा रुकने का, बहुत ही ऑसम पॉइंट ढूंढा रुकने के लिए उसने बंदे ने यार, बहुत ही ऑसम, बढ़िया यार। तो नज़ारे कुछ यूँ चल रहे हैं और हम इन्जॉय कर रहे हैं। सो अभी तक का सफ़र बहुत ही ऑसम चल रहा है, मनु भाई एकदम ऑसम बाइक चला रहे हैं, और रोड भी ऑसम, मौसम भी ऑसम। ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, धूप निकली हुई है फिर भी, क्योंकि हम हाइट पे हैं और अभी अक्टूबर एंड चल रहा है, ये धूल मिट्टी उड़ रही है, ये आँखों में जा रही है, बंद करो भाई। तो यहाँ से देवप्रयाग रह गया है 10 किलोमीटर, एंड उसके बाद आई थिंक श्रीनगर होगा 50 या 45 किलोमीटर। तो पहुँच जाएंगे जल्दी। बाकी अभी मैंने एक रील बनाई है, पीछे एक ऐसा व्यू था जहाँ से हिमालयन पीक दिख रही थी और वो स्नो कवर्ड थी पूरी यार, ऑसम लग रहा था देखने में। तो उसका रील बनाया, अभी इंस्टा पे डाल दिया है, जाके चेकआउट कर लो, इंस्टा पे भी देखो भाई, इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई को जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर भी भाई बढ़ाओ यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। पता क्या होता है, थोड़ी सी ना हिम्मत मिल जाती है आगे और बढ़ने की, नहीं तो क्या दिक्कत है, चलता रही है, नहीं भी करेंगे तो ढीठ है यार, वीडियो तो फिर भी आती रहेंगे, डालते रहेंगे डालते रहेंगे। बट यार बहुत खुश हूँ, खुश इसलिए भी कि अप्रैल के बाद अब राइड करी है, एंड इसलिए भी कि राइड भी सीधे बाबा ने मुझे बुलाया अपने पास दर्शन देने के लिए। तो वैसे घूमने फिरने नहीं गया, दर्शन करने जा रहा हूँ। और ये राइड भी अचानक ही डिसाइड हुई थी, कल हम बात भी कर रहे थे गुलशन ढाबे पे हम सारे, कि एक्चुअली राइड जो है मनु और मैंने ही प्लान की थी, और उसके बाद ये सब बाकी लोग जो है हम साथ ज्वाइन हुए थे हमारे साथ। तो प्लानिंग हम दोनों की थी कि तो हम दोनों ही जाएंगे, बट फिर ये हुआ था कि यार एक बार अनुज से पूछ लेते हैं, वो शायद हाँ करते हैं, उसको घूमना फिरना पसंद है और वो ब्लॉगिंग भी करता है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा, उन्होंने पूछा तो अनुज ने हाँ कर दी। तो वैसे अनुज का चैनल का नेम है एक्सप्लोर विद अनुज, तो आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छी वीडियो बनाता है भाई। और फिर उसके बाद जो है हमने डिसाइड किया कि भैया कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, तो बात चली। मैंने इनको पहले मैंने जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन था या तो सरचू, बट सरचू का कुछ ऐसा हो रहा था कि 4 दिन में भागन दौड़ वाली मतलब था, और ऊपर से सेम रूट था जाना और आने का। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आया हमारे पास मुनस्यारी, मुनस्यारी में मनाई होगी। उसका भी रीज़न ये था कि मुनस्यारी यार 4 दिन में वही भागन दौड़ वाला काम हो जाएगा, काफ़ी पहले नैनीताल या फिर कहीं अल्मोड़ा में स्टे लो, फिर मुनस्यारी जाओ, फिर वापसी या तो घूम के आएंगे तो लंबा भी पड़ेगा, खर्चा भी एक्स्ट्रा पड़ेगा, और वही हो जाएगा भागन दौड़ वाली कहानी। फिर उसके बाद प्लानिंग मैंने इनको बोला पंगोट वैली, तो इन्होंने बोला जी मैं 7-8 बार घूम चुका हूँ पंगोट वैली। अच्छा जी, मैं फिर क्या करें, कह रहे सोचते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हनी भाई क्यों ना हम तुम ना चले। मैं जी ठीक है, मैंने मतलब ये नहीं बोला कहाँ है कहानी कैसा है, यानी टूंगा तो चलो पता ही था मुझे यार कि हाँ महादेव का टेंपल है, केदारनाथ बद्रीनाथ टूंगनाथ ये सब। तो मैंने टूंगना सुना, मैंने छूटते बोला मैं ठीक है यार केदारनाथ नहीं जा पाए तो टूंगना चलते हैं, क्योंकि मुझे दीप रंजन सचन भाई कई बार बोल चुके हैं हनी भाई एक बार केदारनाथ राइड करके आओ, तो केदारनाथ नहीं कर पाए पर टूंगनाथ तो अपनी हो ही गई यार। तो थैंक यू भगवान, आपने चांस दिया अपने दर्शन देने का। सो फाइनली देवप्रयाग का संगम आई थिंक सो आगे है या फिर नहीं, यहीं है, एक नदी यहाँ से आती है एक वहाँ से आती है और यहाँ पर संगम बनता है, क्योंकि आप देखिए वो वाली जो नदी है उसका मिट्टी वाला पानी और यहाँ पर देखो हल्का सा ग्रीन और मिट्टी मिक्स है, तो इस साइड से एक नदी आ रही है। मुझे एक्चुअली में सही में सीरियसली मुझे नाम नहीं पता है, सॉरी। मैं जब एडिट करेंगे वीडियो उस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगा कि कौन सी वाली रिवर है कौन सी ये वाली रिवर है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, और अब यहाँ से निकलेंगे आगे
क्योंकि जैसे मैंने बताया था हम लोग यहाँ से जो है अब स्टे जो लेंगे वो लेंगे हम मतलब स्टे नहीं मतलब जो रेस्ट करेंगे अब वो हम करेंगे श्रीनगर में। तो बस यहाँ से निकलते हैं। मनु भाई इन्जॉय कर रहे हैं राइड को। मनु भाई इस टाइम राइडर बने हुए हैं और मैं पिलियन हूँ, पर पिलियन में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए पौड़ी 44, श्रीनगर 36, बद्रीनाथ 27, हर हर महादेव। वहाँ से संगम क्लियर नहीं दिख रहा था तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ आ गया। ये एक रिवर, ये दूसरी रिवर जिनका संगम हो रहा है। इन रिवर के नाम मैं किसी से पूछ लेता हूँ तो बेहतर रहेगा। ये रिवर कौन कौन सी है? ये आ रहा है अलकनंदा। ये अलकनंदा, ओके। हम बद्रीनाथ, ठीक है। ये है आपका जो है भागीरथी। भागीरथी, ओके। गंगोत्री, ओके ओके। देवप्रयाग, सो ये ही आगे जाके गंगा होगी ना? ये भागीरथी नाम से जा रहा है। हाँ ठीक है। गंगा तो है उधर से, वो गंगोत्री से, ओके। बीच बीच में नाम चेंज होते हैं, ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। सो ये भागीरथी, ये अलकनंदा, ये देवप्रयाग का संगम। और पानी का फ्लो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब लग रहा है नज़ारा। ये अभी तक वीडियोस में देखा था, आज फर्स्ट टाइम खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अलग ही फीलिंग है। हाँ चलिए, मेरे ज़रिए शायद आप लोगों को देखने को मिल रहा हो, आप लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। काफ़ी अलग नज़ारा है और बड़ा ही रिलीफ सा मिल रहा है यहाँ पर। मतलब ये उत्तराखंड जैसे हिमाचल में हम घूमते फिरते हैं, जैसे मनाली शिमला, वहाँ की वाइब्स अलग है। उत्तराखंड आते हैं यहाँ की वाइब्स अलग है। मतलब जैसे मसूरी जाते हैं वहाँ की वाइब अलग है, यहाँ की वाइब अलग है। यहाँ पर मतलब पीस और वो एक कहते हैं ना आशीर्वाद टाइप में, आशीर्वाद सा फील हो रहा है, जैसे कि भगवान हमें खुद आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर रोड का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं सामने क्या हालत है। और नीचे यार नदी बहुत ही अच्छे फ्लो में बह रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब जब तक ये ऊपर का ट्रैफिक पूरा नीचे नहीं आएगा तब तक हमारा ट्रैफिक नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो वेट करते हैं, बाइक को बंद कर देते हैं, ट्रैफिक एक बार नीचे आ जाए फिर अपन लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, बाइक थोड़ा सा पावर मुझे लूज़ लग रही है, मतलब पावर चाहिए इस बाइक को। ऐसा दिक्कत एक्चुअली में बाइक को नहीं था, वो टायर पंचर था, उसमें हवा धीरे धीरे निकल रहा था, इसलिए वो पावर की दिक्कत आ रही थी। अभी बाइक ऑसम चल रही है पिलियंस के साथ भी, मतलब पिलियन साथ में है, मनु भाई बैठे हैं। मनु भाई पहले भगा रहे थे 65-70, इसलिए अब मैं भी यही चल रही है। मतलब ऐसी कर्वी रोड आ रही है तो 50 तक जा रहा हूँ, उसके बाद जो है जैसे प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है रोड तो कर्व कम होता है, वैसे ही 60-65 जा रही है बाइक। और बहुत ही अच्छा रोड है, बीच बीच में काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड है, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी, जस्ट लाइक दिस। ये देखो तो इतनी सी से अभी तो क्या रोड क्लोज नहीं होती है, बट हाँ ज़्यादा जो जाती है तो दिक्कत होती है, बाकी अभी तक तो सो फार सो गुड, अच्छा ही है, सब कुछ मस्त चल रहा है। बाकी राइड में मज़ा बहुत आ रहा है। और श्रीनगर अब बस यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर, श्रीनगर पहुँचने में एक घंटा लगेगा शायद, या फिर 45 मिनट, जैसे फिर से चल रहे हैं तो आई थिंक सो कि 30 या 35 मिनट में पहुँच जाएंगे, या मैक्सिमम 45 मिनट जो स्पीड चल रही है अभी। तो श्रीनगर पहुँचते हैं और फिर आपको डायरेक्ट मिलते हैं श्रीनगर में। Pull up on you, let me scoop. Nobody here but me and you. Got a little ring to it, turn it down.